हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन करियर एकेडमी। दोस्तों, एक बड़ी न्यूज है आपके लिए। पॉलिटेक्निकल लेक्चरर की भर्ती के लिए इंटरव्यू शेड्यूल घोषित कर दिया गया है। 19 तारीख से आपका इंटरव्यू लग गया है। इसमें इंग्लिश विषय, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कर्मचारी अधीक्षण के साक्षात्कार की डेट आ गई है। और इसका जो परिणाम घोषित किया गया था 5 अप्रैल को घोषित किया गया था, जिसमें 2228 अभ्यर्थियों को औपबंधिक रूप से साक्षात्कार के लिए सफल घोषित किया गया था। अब इसमें इंटरव्यू होना है। तो यहाँ पे जो भर्ती आई थी, 642 पदों की भर्ती आई थी, जिसमें अभी जो रिजल्ट घोषित किया गया, अंग्रेजी का, इंग्लिश का, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर्मशाला अधीक्षक और सिविल के, इन सब के पद जो सब मिला के 429 पद थे, इसके लिए इंटरव्यू का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। इंटरव्यू 2 सत्रों में होगा। सुबह 9 बजे से अपराह्न 1 बजे से आयोजित किया जाएंगे। और आयोग की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार लेक्चरर इंग्लिश का जो पद है उसमें 50 पद है, लेक्चरर इंग्लिश के 50 पद हैं। इसका इंटरव्यू 19 और 20 अप्रैल को होगा। सिविल इंजीनियरिंग लेक्चरर के 125 पद हैं, इंटरव्यू 25 से 30 अप्रैल तक होगा। और लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सबसे ज़्यादा पद हैं, यहाँ पे 238 पद हैं। कर्मशाला अधीक्षक के 16 पद हैं, इनका इंटरव्यू 5 से 21 मई तक चलेगा। लेक्चरर सिविल इंजीनियरिंग के 17 पदों का रिजल्ट उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने घोषित कर दिया। ये अंतिम परिणाम है। इसमें से 14 पद अनारक्षित थे, 2 पद अन्य पिछड़ा वर्ग के, 1 पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित था। इन पदों पर भर्ती के लिए आयोग ने 5 से 8 अप्रैल तक इंटरव्यू कराए थे। चयनितों में अनूप मौर्य, रजनीश कुमार मिश्र, वीरेश प्रताप सिंह, चंदन कुमार गुप्त, मनोज वर्मा, अमन शर्मा, तुलाराम सूची चौधरी, चैतन्य निधि, अंकित सिंह, ब्रजेश कुमार, सुमन अलीम एजाज, अंकित कुमार, निमिषा द्विवेदी, कल्पना पटेल, रजनीश कुमार और अतुल सिंह का चयन हुआ है। सभी छात्रों को बहुत बहुत मुबारकबाद। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।